एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.6 के सॉल्यूशन के बाद ये है एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.7 का सॉल्यूशन। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1.7 पे आते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेंड, यानी कि कितना कॉपर ऑब्टेंड होगा जब हमारे पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट हो तो, यानी कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से हमें कितना कॉपर ऑब्टेंड होगा इसके बारे में हमें बताना है। कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, अगर इसका मोलर मास पहले हम लोग निकाल दें, है ना, क्या निकाल दें, मोलर मास ऑफ CuSO4, है ना, तो हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि कॉपर सल्फेट का एक्चुअल में मोलर मास कितना है, कितना ग्राम जो है वो प्रेजेंट है CuSO4। तो कॉपर का मास कितना होता है, तो ये होता है 63.5, प्लस सल्फर का होता है 32, और प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो चार ऑक्सीजन का होगा कितना, 64। ठीक है, कॉपर का मास 63.5, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो चार ऑक्सीजन का कितना होगा, 64। ऐड कर दोगे 96, चार यानी कि 159.5 ग्राम, इतना आ जाएगा किसका, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, हाँ सर, हमें क्लियर है, यानी कि देयरफोर मास ऑफ कॉपर इन 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट, यानी कि अगर तुम्हारे पास 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो उसमें कॉपर कितना प्रेजेंट होगा, एक कॉपर यानी कि 63.5 ग्राम। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है भाई। अगर तुम्हारे पास CuSO4 जिसका मास कितना रहा है इतना, अगर इतना ग्राम तुम्हारे पास CuSO4 है तो उसमें एक कॉपर यानी कि 63.5 ग्राम कॉपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना ग्राम कॉपर होगा, तो अगर मैं बताऊं कि मास ऑफ कॉपर इन 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, अगर हमारे पास 1 ग्राम कॉपर सल्फेट हो तो कितना प्रेजेंट होगा, सर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 63.5 डिवाइडेड बाय 159, वन कितना, 159.5, इतना क्या ग्राम कॉपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन हमें लिखा हुआ है कितना, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो कितना प्रेजेंट होगा, कोई बात नहीं सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग। ठीक है, यानी कि अगर मास ऑफ कॉपर निकाला है इन 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, तो 1 ग्राम में इतना है तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो 63.5 इंटू का 100 कर दोगे और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 159.5, है ना, इतना क्या ग्राम। आ जाओ इसको अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, तो 63.5 इनटू का 100 दैट्स कम्स आउट टू बी 3650, है ना, दिख भी रहा है 3650, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना, 159.5, तो डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 159.5 जो आ रहा है 39.8, है ना, कैंसल होने के बाद कितना आ रहा है, 39.8, इतना क्या, इतना ग्राम कॉपर प्रेजेंट होगा अगर हमारे पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकाल लिया, है ना, मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि कॉपर सल्फेट का एक्चुअल में मास कितना है, और उतने मास में जो कॉपर प्रेजेंट था वो 63.5 ग्राम ही था, क्योंकि उसका मोलर मास उतना ही होता है, तो 100 ग्राम में हमने निकाल दिया जो कि आया 39.8 ग्राम। ठीक है, 39.81 आ रहा है, तो अगर तुम दो डिजिट तक लिखना चाहो तो 81 ग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसका एकदम सिंपल फॉर्म में सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें यह कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि इसके क्वेश्चंस 1.8 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।